अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे कॉमन सेंस के हवाले से और उससे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स में कॉमन सेंस कितनी कॉमन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मायरा। नाइमा जावेद। मुबशर मलिक। वहाब। लिखा नियाजी। किरण। किरण क्या कहती हैं आप? मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मैथ्स के मास्टर्स कर रही हैं। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा कॉमन सेंस कितनी है? ओके बस ठीक है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि एक जहाज़ है पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है, बाउंड्री लाइन पे क्रैश कर जाता है, तो जो बाकी लोग बचेंगे उनको कहाँ दफनाया जाएगा, इंडिया में या पाकिस्तान में? उधर ही दफना देंगे। मायरा क्या करती हैं आप? MSc रेप्लिका की स्टूडेंट हूँ। अच्छा MSc कर रही हैं। मायरा कॉमन सेंस कितनी है? शदीद। अच्छा शदीद है, पता चल जाता है। मायरा एक जहाज़ है पाकिस्तान से इंडिया ट्रैवल कर रहा है, बाउंड्री लाइन पर क्रैश कर गया, तो जो लोग बाकी बचेंगे उनको कहाँ दफनाया जाएगा, इंडिया में या पाकिस्तान में? जहाज इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया ट्रैवल कर रहा है, बाउंड्री लाइन पे क्रैश हो गया, तो जो लोग बचेंगे उनको पाकिस्तान में दफनाएंगे या इंडिया में? जो लोग उस साइड पे बॉर्डर के उस साइड पे गिरेंगे उनको, यानी जो इंडिया वाले बॉर्डर में गिरेंगे उनको इंडिया वाली साइड पे, और जो पाकिस्तान वाले बॉर्डर में गिरेंगे वो पाकिस्तान वाली साइड। चाहे वो मुसलमान भी हो? हाँ। इंडिया में लाइन नहीं होती, LOC होती है। चले LOC आप कर लें जी। LOC पर क्रैश कर गया, होती बाउंड्री है वैसे। अच्छा, तो उधर क्रैश कर गया, क्रैश कर दफनाएंगे। हाँ, जो बचेंगे लोग उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में? डेड बॉडीज नहीं मिलती, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। जरूरी तो नहीं होते हैं, पता नहीं, सोचें। बाउंड्री पे क्रैश कर गया, बाउंड्री जो बच गए लोग उनको उधर दफनाएंगे या इधर? आधे उधर मुसलमानों को इधर ले आएंगे। कैसे पता चलेगा मुसलमान? उनके आईडी कार्ड से उनकी आइडेंटिटी पता चलेगी। I don't know. थोड़ा सा सोच। नहीं पता। जहाज जा रहा है, बाउंड्री पे क्रैश हो गया, जो लोग बाकी बच जाएंगे उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में? अब तो मैंने बहुत सिंपल कर दिया, बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। जमीन के नीचे। No, I don't know. पक्की बात है? Yeah. अच्छा जब जहाज क्रैश हुआ तो बच गए तो उनको दफनाया इंडिया में, दफना देंगे पाकिस्तान में? ये ना कोई क्रैश हो गया, कौन बचेगा? नहीं इंडिया में तो जलाते हैं ना। अच्छा तो इंडिया में मुसलमान भी तो हैं? हाँ भी है। फिर इंडिया में कब्रिस्तान भी होगा? बिल्कुल होगा, कब्रिस्तान भी होगा। जहाज है क्रैश हो गया बाउंड्री पे, नहीं तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं जब क्रैश हो गया जहाज, तो जो बच गए उनको दफनाएंगे कहाँ पे? जहाँ उनका दिल करेगा दफना दें। जो बचे हैं? हाँ ऑब्वियसली उनको, जो बाकी बचे हैं वो बाउंड्री के ऊपर गिरे हैं। हाँ। उनको पाकिस्तान में ले जाना चाहिए मेरे ख्याल में। इंडिया में क्यों? इंडिया में आई थिंक वो पाकिस्तान का है या वैसे जा रहा है किसी और कंट्री का। पाकिस्तान का जहाज है पर जा इंडिया रहा। अच्छा उसको क्रैश हो गया। अच्छा अब जो बच गए उनको कहाँ दफनाएंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में? और यार बचे तो वो ऑब्वियसली उनको दफनाया कहाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कॉमन सेंस कितनी है? कॉमन सेंस अच्छी है। मैम ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है लेकिन रहती एक जगह पे है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है पर रहती अपनी जगह? क्लॉक। नहीं सोचें थोड़ा सा। ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है लेकिन एक ही जगह पे रहती है। ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है लेकिन रहती एक जगह पे। यार ये इसका तो वो थोड़ा गंदा नहीं आ रहा? ये तो आपकी सोच है। नजर। नजर एक जगह पे कैसे रहती है? नजर रहती तो एक जगह पे है ना, वो नीचे होती है। वो नीचे होती है, ये नहीं है। आसान सी चीज है। लिफ्ट हो सकती है? लिफ्ट तो ऊपर जाती नीचे जाती ठीक है पर एक जगह नहीं रहती। एक जगह नहीं रहती। और सोचें ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है ऐसी कोई चीज है? चीज है नजर, चीज नहीं। ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है। स्टेयर्स हो सकती है। एग्जैक्टली स्टेयर्स।
जी तो नाज़रीन ये था हमारा आज का शो। अगर आपको शो अच्छा लगा है तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं, कुछ मज़े मज़े के सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।